हेलो ऑल, माय नेम इज़ प्रयाग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज प्रॉमिस्ड, मैंने कहा था कि मेरा ट्रैवल फाइनल होते ही आई विल बी कमिंग अप विद अ बंच ऑफ वीडियोस। तो फाइनली मैं थर्ड कंट्री से ट्रैवल कर रहा हूँ टू कनाडा एंड आई विल बी ट्रैवलिंग इन द नेक्स्ट टू डेज। वो वीडियो पूरा अलग वीडियो है, सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ माई चैनल, तो आपको पता चलेगा फ्रॉम विच कंट्री आई एम ट्रैवलिंग। बट फॉर नाउ लेट्स सी के हम कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। एंड ऑल्सो विल सी के थर्ड कंट्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। सो लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम कैरी कर रहे हैं और कौन से ट्रैवलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने दो फाइल्स क्रिएट किए फॉर माय ट्रैवल। फर्स्ट ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है एंड दिस आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई विल बी नीडिंग लेटर इन कनाडा, और इसमें एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपीज भी है। सो लेट्स सी दिस फाइल फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्टली आई हैव ऑल माय आईडीज अरेंज्ड हियर। दिस इज माय ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव माय पैन कार्ड, आई हैव माई पासपोर्ट हेयर। इसके बिना ट्रैवल तो कर नहीं सकते। सो दिस इज़ माई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज़ माई पासपोर्ट, आई हैव माई वीज़ा इन इट। सो स्टार्टिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स सिक्वेंशली अरेंज किए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और उनके इम्पोर्टेंस से। सो पहले तो मैंने मेरी सारी टिकट्स लाइन अप कर दी है फॉर ऑल माई ट्रैवल्स। तो ट्रैवलिंग वाया थर्ड कंट्री, आई एम टेकिंग अबाउट 1, 2, 3 एंड 4 फ्लाइट्स टू रीच माई डेस्टिनेशन। और इसमें मेरे होटल बुकिंग्स भी है और ये सारे मेरे लाइंड अप है डॉक्यूमेंट्स टिल आई रीच कैनेडा। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने एक खाली जगह छोड़ी है फॉर माई RT-PCR टेस्ट एंड दैट आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो। सो आई बी गेटिंग द रिजल्ट्स बाई टुमारो इवनिंग मे बी। सो या आई बी कीपिंग माई RT-PCR रिपोर्ट हियर। उसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट राइट नाउ, दिस इज़ माई कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर बोथ द डोजेस, सो 1 and 2। सो आई हैव बोथ द डोजेस एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट राइट नाउ। अभी के लिए ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर आस्किंग एवरीवेयर दैट हैव यू बीन वैक्सीनेटेड। उसके बाद मैंने मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी वो रखा है। Then I'll be keeping all the IRCC documents जो हमें GCE से मिलते हैं, तो वो मेरे सारे documents एक में piled up है। Then I'll be keeping my university enrollment certificate that I'm currently enrolled in the next term, कि मैंने registration किया है and I'm traveling to attend my classes। तो उसके मेरे पास ये previous term as well and the coming term as well, तो दोनों टर्म्स के मैंने इसमें पाइल अप किए हैं। देन आई हैव माय यूनिवर्सिटी फी रिसिप्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देन आई हैव माय GIC ट्रांसफ़र बिल, जो मैंने GIC में ट्रांसफ़र किया था उसका बिल है मेरे पास। देन आई हैव माय GIC रिसिप्ट फॉर स्कोशिया बैंक, तो वो पूरी रिसिप्ट है मेरे पास दैट आई एम होल्डिंग द अमाउंट देयर, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल। और उसके बाद एक और IRCC का डॉक्यूमेंट है एंड इट्स आई गेस अ बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन, या दैट्स बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन लेटर एंड अगेन अ कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर विच वॉज प्रीवियस टू द पासपोर्ट रिक्वेस्ट। पासपोर्ट रिक्वेस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर वॉज प्रीवियसली इन द फर्स्ट पाइल अप। देन आई हैव माई ई मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में मैंशन किया है कि मैंने मेरी मेडिकल कब करवाई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों को ये मेडिकल एक्सपायर होने का भी प्रॉब्लम हुआ है आगे, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कीप। देन आई हैव माई ट्रैवल इंश्योरेंस, दिस इज़ करेंटली वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि मैं थर्ड कंट्री से जा रहा हूँ, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल करेंटली। Then I have my IELTS certificate. Then I have my bills for my currency. That is currently very important because third country पे अभी कोई कोई third country पे ऐसे rules है that
दैट यू हैव टू शो सम अमाउंट, आपको एक अमाउंट बताना है उनको दैट आई एम कैरिंग दिस अमाउंट, तो ही वो आपको आने देंगे, नहीं तो वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं आपको. सो ये बिल्स कैरी कर रहा हूँ मैं फॉर माय कैनेडियन डॉलर, और थर्ड कंट्री है वो आपको आगे पता चलेगा. देन आई हैव माय कोर्स डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम एनरोल्ड फॉर, सम ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्टली आई हैव अ कॉपी ऑफ माय पासपोर्ट. सो दैट्स इट आई गेस. और लास्टली मेरे पास एक करेंसी कार्ड है और थोड़े करेंसी है. Okay, it's Canadian dollars and some other currency that we'll talk about in the later videos. So yeah, that's it. This is my first file. ये मेरी travel file है actually, और ये लेके मैं travel करूँगा, और ये दूसरी file मैं handbag में रखूँगा just in case they ask for some different documents. तो इसमें हम देखते हैं कौन सा documents है. पहला तो है my school certificates, my school, any of the school documents that I need anywhere. तो फर्स्टली मेरे स्कूल सर्टिफिकेट्स आ गए. देन आई हैव माय मार्कशीट्स ऑफ माय यूनिवर्स प्रीवियस यूनिवर्सिटी, सो माय बैचलर्स यूनिवर्सिटी, तो उसके सारे इसमें हैं. देन आई हैव माय डिग्री सर्टिफिकेट. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आई विल बी नीडिंग लेटर ऑन इन कैनेडा. लेकिन अगर वो कहीं पे भी कुछ भी, आज टाइम इज बैड राइट नाउ, तो कुछ भी मांग सकते हैं कहीं पे भी. तो या दिस फाइल आई विल बी कैरिंग इट इन माय हैंडबैग, और ये मैं अपनी बड़ी फाइल जो है ट्रैवल वाली वो मैं मेरे लैपटॉप बैग में रखूँगा. सो आई हैव माय डिग्री सर्टिफिकेट, आई हैव माय ट्रांसक्रिप्ट, आई हैव सम सर्टिफिकेट्स फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, आई हैव माय वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हियर. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम कैरिंग विद मी टू कैनेडा इज द ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट. तो उसके लिए मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा व्हेन आई रीच कनाडा एंड आई एक्चुअली यूज़ दिस सर्टिफिकेट. तो ये एक्चुअली मुझे काम लगेगा व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर माय ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा. तो ये हम देखेंगे आगे के वीडियो में. एक बार मैं आई अपलोड अ वीडियो फॉर दैट. देन आई हैव सम एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ माय पासपोर्ट विच आई विल बी नीडिंग, और बस दैट्स इट. आई हैव सम एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपीज ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट दैट आई हैव इन माय ट्रैवल फाइल. And yeah, that's all. So this will be a bunch of certificates that I'll be needing maybe for some submissions or any other requirement as per the need. So I'm carrying some extra Xerox copies if needed. So always remember to carry extra copies of each and every certificate that you are taking, because certificate khone mein kafi time nahi lagta hai. And if this is helpful, do carry such files, one for your travel and one for your documents that you'll be needing later in Canada. ये documents आपको job opportunities और वो सब में काम लग सकते हैं, but this will help you reach Canada. That's the first important thing right now among this COVID period. So yeah, keep a track of this file. So that were all the documents that I'll be needing while I'm traveling to Canada right now through the third country. तो थर्ड कंट्री के क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट फ्रॉम विच कंट्री आई एम ट्रैवलिंग टू एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स थ्रू दैट रूट. काफ़ी सारे रूट्स हैं, बट व्हाई आई चोज दैट रूट हैड अ रीज़न, तो मैं वो शेयर करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में. सो डू कीप अ ट्रैक ऑफ माई चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ़ यू लाइक इट गिव दिस वन अ लाइक, एंड यस कीप मी मोटिवेटेड सो आई कैन कीप यू अपडेटेड. Till then, stay safe, stay updated and get vaccinated so you guys can travel soon as well. Yeah, take care.